और चलिए बात करते हैं ज्ञानव्यापी की। ज्ञानव्यापी विवाद में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील रखेंगे। कल मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील ने अपनी दलील रखी थी। मुस्लिम पक्ष की बहस लगभग पूरी हो चुकी है, आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखने वाला है। ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ हिंदू पक्ष कोर्ट की इजाजत के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष पूजा पाठ रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में है। ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में वाराणसी कोर्ट की इजाजत के बाद पूजा पाठ शुरू हुई है। श्रद्धालुओं के आने का भी दौर जारी है। इन सब के बीच आज वाराणसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी के बंद तहखानों के सर्वे को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई हुई। जिला अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है। देखिए, हमारी मांग अन्य जो दो तहखाने S1 N1 दिख रहे हैं, एक दक्षिणी है और एक नॉर्थ है, केवल वही तहखाना नहीं, इसके अलावा अंदर और भी तहखाने हैं, तो हमने कोर्ट से डिमांड करी है कि उन मलबों को हटा के और जो एंट्रेंस दरवाजे बंद किए गए हैं पत्थर से और ईंट से ऐसे ही, उस पर तो लोड है नहीं, तो उसको हटा के सेफ तरीके से इसको ASI मलबा हटा के अंदर जाएगी तो अंदर गर्भगृह भी है और सारी चीजें हैं। दरअसल वादिनी राखी सिंह ने ज्ञानव्यापी के बंद पड़े दो तहखानों के ASI सर्वे की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई है कि 6 तहखानों की तरह ही परिसर के अंदर बंद पड़े बाकी के 2 तहखानों का भी सर्वे ASI से करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष भी व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत पर रोक लगाने की मांग के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मस्जिद कमेटी के वकील ने अपना पक्ष रखा। हिंदू पक्ष की ओर से भी बहस की गई। अब याचिका पर कल सुबह फिर से सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।